का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय जगदीश देवड़ा जी, माननीय चेयरमैन फिक्की श्री राजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय वाइस चेयरमैन सीआईआई श्री शेषकर चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री महेश गुप्ता जी तथा मंच पर मौजूद हैं प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आयुक्त वाणिज्य कर श्री लोकेश कुमार जाटव जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर सुश्री तन्वी हुड्डा जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर श्री दिव्यांग सिंह जी तथा मुख्य आयुक्त सीजीएसटी श्री नवनीत गोयल जी, सभी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद धन की देवी, समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन से शुरुआत इस दैवीय शक्तियों के आह्वान में हम सभी का सुर भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। स्रोतम का वाचन माधवी राधिकर जी ने किया। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश अपनी स्थापना की वर्षगांठ का सप्ताह मना रहा है। हम मध्य प्रदेश की कीर्ति गाथा और मध्य प्रदेश को श्रेष्ठतम सोपान पर पहुंचाने के संकल्पों का गायन मध्य प्रदेश गान दोहराएंगे। मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करेंगे अखिलेश तिवारी और उनके साथी। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
प्राणे अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ कविता न्याय वीरता गायक सब कुछ यहाँ विशेष है हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है मेरा मध्य प्रदेश है सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है चित्रकूट में राम की भीम दर्शिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है अमृत कुंज अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है मेरा मध्य प्रदेश है सुख का दाता सबका साथी सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है 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 जय मध्य प्रदेश स्वागत करिए बहुत बहुत धन्यवाद सर श्रीमती तन्वी हुड्डा अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश तथा श्री दिव्यांग सिंह अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश से विनम्र आग्रह है कि आप प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री महेश गुप्ता जी का स्वागत करें श्रीमती तन्वी हुड्डा तथा श्री दिव्यांग सिंह जी से अब विनम्र आग्रह कि आप श्री श्रेयस्कर चौधरी वाइस चेयरमैन सीआईआई मध्य प्रदेश मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतिभा सिंटेक्स जी का स्वागत करें श्री श्रेयस्कर चौधरी जी का स्वागत आप दोनों ही अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद FICCI फिक्की टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी तथा चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप श्री राजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें श्री राजेंद्र गुप्ता जी और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री नवनीत गोयल जी मुख्य आयुक्त CGST उनके स्वागत के लिए आदरणीय तन्वी हुड्डा जी और दिव्यांग सिंह जी से विनम्र आग्रह बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह श्री लोकेश कुमार जाटव जी से आयुक्त वाणिज्य कर मध्य प्रदेश मंच पर विराजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी वाणिज्य कर विभाग के मंत्री और मार्गदर्शक श्री जगदीश देवड़ा जी विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी श्री नवनीत गोयल प्रमुख आयुक्त CGST लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता फिक्की टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड अपेरल कमेटी के चेयरमैन श्री रजिंदर गुप्ता CII मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट श्री श्रेयस्कर चौधरी भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान में पुरस्कृत हो रहे हमारे सम्मानी व्यवसायी बंधु प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यवसायीगण ऑनलाइन प्रसारण देख रहे साथी सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्यवसायी संघों के प्रतिनिधि वाणिज्य कर और CGST विभाग से अधिकारी कर्मचारीगण एवं मीडिया के साथी मैं वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी का भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पाएंगे कि 1957-58 में वाणिज्य कर विभाग मात्र 5 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करता था जो 21वीं सदी के पहले वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ रुपए हुआ वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा प्रशासित वैट प्रोफेशन टैक्स एवं GST अधिनियम से प्राप्त राजस्व 49,000 करोड़ रुपए हो गया है वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व प्रदेश के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 55% है और यह राजस्व हमें प्रदेश के व्यवसायी बंधुओं द्वारा
कार्यकुशलता से संचालित आर्थिक गतिविधियों से ही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत 86 वृत्त, 15 संभाग एवं 5 जोन कार्यालय कार्यरत हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश के 4 महानगरों में 4 LTU कार्यालय स्वीकृत किए गए थे। इसके साथ ही विभाग में 5 ऑडिट विंग भी काम कर रहे थे। करदाताओं की सहायता हेतु वाणिज्य का विभाग द्वारा मुख्यालय, संभाग एवं सर्कल स्तर पर 100 से अधिक हेल्प डेस्क आरंभ किए गए हैं, जिनकी सहायता से रिटर्न फाइलिंग या अन्य पोर्टल संबंधी समस्याओं का निराकरण सम्मिलित इच्छा शक्ति और मेहनत का ही परिणाम है। GST अधिनियम अंतर्गत अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के हेतु की जा रही कार्यवाही जैसे ऑडिट, प्रूफिंग, समन्स हेतु समस्त नोटिस ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं। विभाग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि संपूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए, जिससे मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए एक पारदर्शी, सुगम एवं कुशल कर प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। GST जैसे आधुनिक कर प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्राप्त हो रहे एक्शनेबल इंटेलिजेंस से कर अपवंचन को रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। विभागीय ढांचे को आधुनिक बनाने एवं तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से विभागीय काडर रीस्ट्रक्चरिंग का कार्य किया गया है। शीघ्र ही विभाग में युवा एवं दक्ष अधिकारियों की भर्ती कर अधिक कार्यकुशलता से काम कर सकेगा। साथ ही विभाग का स्वयं का IT काडर भी प्रस्तावित किया गया है। देश में अक्टूबर महीने के दौरान GST कलेक्शन बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक मासिक GST संग्रह है। ऐसे समय जब अधिकांश विकसित देशों की अर्थव्यवस्था अल्प वृद्धि के दौर से गुजर रही है, वहीं देश एवं प्रदेश की आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों से प्राप्त रिकॉर्ड GST राजस्व संग्रहण माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को सार्थक सिद्ध कर रहा है। राष्ट्रार्थे न यद् ज्ञानम्, राष्ट्रार्थे न यद् धनम्, राष्ट्रार्थे बलम् यन् दिक् तद् ज्ञानम् धनम् बलम्। अर्थात जो ज्ञान राष्ट्र के काम न आए, जो धन राष्ट्र के काम न सके और जो बल राष्ट्रहित में ना हो, ऐसा ज्ञान, धन और बल अनुपयोगी है। अपनी मातृभूमि के लिए तन, मन और धन का अर्पण करने वाले भामाशाह ने इन्हीं पक्तियों के भावों को चरितार्थ किया है। आज का यह भामाशाह कार्यक्रम व्यवसायी बंधुओं में नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचरण करेगा और हमारे प्रदेश में व्यवसायिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में यह कार्यक्रम नए आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं और पुरस्कृत होने वाले सभी व्यवसायियों को शुभकामनाओं सहित पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त वाणिज्य कर मध्य प्रदेश आदरणीय श्री लोकेश कुमार जाटव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम आपको विभागीय उपलब्धियों पर केंद्रित एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। गांव की विकासशील सोच व अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप कर संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में वाणिज्यिक कर विभाग ने GST कर संग्रहण में वृद्धि हेतु हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा टैक्स बेस में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कुशल कर प्रशासन तथा मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अनुशंसाएं की गई तथा उनके क्रियान्वयन हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों में वैट एवं प्रोफेशनल टैक्स के पंजीकरण के लिए प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों को एक कार्य दिवस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। GST में पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अनावश्यक दस्तावेजों की मांग अब नहीं की जा रही है। पंजीयन प्रक्रिया के साथ साथ विवरण पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया में एक रूपता लाने तथा प्रक्रियाओं को आसान एवं सरल बनाने के लिए SOP जारी की गई है, जो विभागीय अधिकारियों की सहायता के साथ साथ व्यवसायियों द्वारा GST रिटर्न की विसंगतियों के संबंध में कर अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। माल एवं सेवा कर के तकनीकी व वैधानिक पहलुओं को भली भांति समझने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग समय समय पर अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें हाल ही में The इंस्टीट्यूट ऑफ Chartered Accountants ऑफ इंडिया द्वारा ऑडिट का प्रशिक्षण तथा दिल्ली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के ऑनलाइन पोर्टल के संचालन, निगरानी व डेटा विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विभाग द्वारा पारदर्शिता के मानकों को ध्यान में रखते हुए कर अपवंचन की रोकथाम के लिए समय समय पर प्राप्त शिकायतों एवं डेटा एनालिसिस के आधार पर चलित वाहनों की जांच हेतु अधिकारियों को प्राधिकार पत्र SMS आधारित सिस्टम द्वारा जारी किए जा रहे हैं और कार्यवाही पश्चात वाहनों के फोटो पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं तथा समस्त नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप व गोपनीयता को बनाए रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। कर अपवंचन को रोकने हेतु विभाग द्वारा आधुनिक डेटा साइंस एवं डेटा एनालिसिस के उपयोग हेतु वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंदौर में डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जहां संदिग्ध व्यवसायियों एवं वित्तीय संव्यवहारों की यथासंभव पहचान कर कर अपवंचन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। GST रिटर्न्स फाइलिंग में मध्य प्रदेश देश के 5 अग्रिम राज्यों में शामिल है। पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह तक GST में 26% राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। वाणिज्यिक कर विभाग विशेष प्रयास कर अधिक से अधिक करदाताओं को टैक्स बेस में शामिल कर रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र का आधार सीमित होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वाणिज्यिक कर विभाग पारदर्शी, स्वच्छ एवं कुशल कर प्रशासन की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिव्य सचिनों, हमारे साथ नए जुड़ रहे करदाताओं हेतु हमने एक वेलकम किट बनाई है, आइए देखते हैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी वीडियो फॉर्म में। GST में पंजीयत नए करदाताओं को ऑनलाइन सुविधाओं का आसानी से लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग ने सरल हिंदी भाषा में वेलकम किट तैयार की है। वेलकम किट में GST पंजीयन प्राप्त करने के बाद GST पोर्टल पर लॉगिन की विधि, विभिन्न विवरण पत्र जैसे GSTR1, GSTR3B, कंपोजिशन रिटर्न आदि जमा करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है। इस वेलकम किट में GST पोर्टल पर विभिन्न करों के भुगतान की प्रक्रिया के साथ ही NIC के ई-वे बिल पोर्टल पर एनरोल करने तथा ई-वे बिल डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी सरल हिंदी भाषा में समझाई गई है। ये वेलकम किट ऐसे नए करदाताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जो स्वयं कर जमा कराकर विवरण पत्र जमा करना चाहते हैं तथा स्वयं ई-वे बिल डाउनलोड करना चाहते हैं। वेलकम किट पुस्तिका के अंत में GST से संबंधित महत्वपूर्ण वेब लिंक्स, वेब ब्राउजर, सहायता हेतु हेल्प डेस्क नंबर तथा महत्वपूर्ण ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। कुशल कर प्रशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक और कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप करदाताओं हेतु वेलकम किट का अपने कर कमलों से विमोचन करें। देवी सज्जनों, आइए आप और हम साक्षी बनते हुए जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों। मध्य प्रदेश में करदाताओं हेतु वेलकम किट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, कृपया स्थान ग्रहण करें। हम व्हाट्सएप आधारित हिंदी में एक चैटबॉट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी देते हैं एक छोटे वीडियो के माध्यम से। GST करदाताओं की सहायता एवं समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग ने नवाचार कर हिंदी में व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट मेघा बनाया है। मेघा यानी मध्य प्रदेश EGST हिंदी असिस्टेंट। इस चैटबॉट के उपयोग से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स पेमेंट, ईवे बिल, ऑडिट, अधिकारियों की जानकारी, तकनीकी समस्याओं का समाधान, सुझाव आदि सहायता प्राप्त की जा सकती है।
मेघा चैटबॉट का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में 6262000256 नंबर को सेव करना होगा। फिर हाय टाइप कर सेंड करना होगा। उसके बाद आप वीडियो में दिखाई गई प्रक्रिया से मेघा चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं। मेघा चैटबॉट में स्क्रीन पर दिखाए गए विषयों पर उनके नंबर लिखकर पोस्ट करने पर संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी अन्य सहायता के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800102045 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुशल कर प्रशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक और कदम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप मोबाइल के माध्यम से इस व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का शुभारंभ करें। शुभारंभ पट्टिका का अनावरण इसके बाद होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्य सज्जनों, जैसा कि अभी हमने आपके साथ जानकारी साझा की है कि मध्य प्रदेश जीएसटी संग्रहण में आगे बढ़ रहा है। जीएसटी संग्रहण का बढ़ना इस बात का द्योतक है कि हम उद्योगों की दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार और उद्योगों के बीच में संगठन जो फैसिलिटेशन लेकर काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ही लघु उद्योग भारती हमारे बीच में हमारा काम आसान बनाती है। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि आएं और अपनी बात कहें। सभी को नमस्कार। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी व्यवसायियों को एवं जितने भी उद्योग बंधु प्राप्त हुए यहाँ पर, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह जी चौहान एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश चंद्र देवड़ा एवं मज्जन सिंह, उपस्थित अन्य सम्मानीय जन भामाशाह सम्मान समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पधारे हुए सभी उद्यमी एवं व्यापारी बंधुओं का लघु उद्योग भारती की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनंदन। लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बीच कार्य करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में संगठन की सदस्य संख्या 45,000 है, जो हमारे संगठन का कार्य संपूर्ण भारत में 750 इकाइयों के द्वारा कार्य किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में उद्योगों को जाल बिछाने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका लघु उद्योग भारती खुले मन से प्रशंसा करता है एवं इस कार्य में और भी अधिक गति लाने के लिए कुछ सुझाव आपके प्रति प्रस्तुत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा यह आग्रह है कि आप जिस तरह से प्रदेश में अधिक से अधिक माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री लगे उसकी चिंता करते हैं, वो करते हुए उन इंडस्ट्रीज को वित्त की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं अन्य कई प्रभावी योजनाएं प्रदेश नवयुवकों के लिए लाए हैं, उसके लिए आपका अभिवादन है। आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे नए उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं हेतु सभी जिला केंद्रों में एवं बड़े एवं विकसित जिलों में तहसील केंद्रों में सरकार द्वारा बहुमंजिला उद्योग भवन बनाकर विद्युत कनेक्शन के साथ 500 से 1000 वर्ग फीट के हाल युवाओं को कुछ वर्षों के लिए लीज पर देना बहुत आवश्यक है, यदि हम उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं तो। ताकि उद्योग स्थापित करने वाला युवा तुरंत उद्योग स्थापित कर सके, क्योंकि उद्योगों के लिए किराए का छोटा सा स्थान उपलब्ध न होने के कारण उसके ऋण और पूंजी का अधिकांश हिस्सा भूमि भवन में ही लग जाता है, जिस कारण वो बाजार में टिक नहीं पाता। उसको समय भी बहुत लग जाता है और उस जब तक उसका मन कमजोर हो जाता है। प्रदेश के छोटे छोटे उद्योगों के विस्तार के लिए मल्टी स्टोरी क्लस्टर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उद्योग लगने में समय व्यतीत न हो। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन किया गया है, किंतु संगठन को ऐसा मानना है कि यह संशोधन प्रदेश के छोटे छोटे उद्यमों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें अन्य प्रदेशों की तरह अधिकांश संशोधन अधिक संशोधन की ओर आवश्यकता है।
मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्रालय द्वारा उद्योगों को जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है वो समय से वह हितग्राहियों के खाते में BOT के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिससे कि समय विभागीय प्रक्रिया से उद्यमों की बचत होगी। हमें केंद्र की नीतियों के अनुसार श्रम के प्रत्येक जिलों में ग्रामीण कृषि उपज के अनुसार उद्योग लगाने होंगे और उनके अनुसार नीतियां बनानी होंगी। राज्य शासन द्वारा जो भामाशाह पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो अत्यंत प्रशंसनीय है और इस तरह के आयोजन अन्य विभागों में भी होने चाहिए, जिससे कि उद्यमियों और शासकीय विभागों के बीच समन्वय का कार्य बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अब हम भामाशाह सम्मान समारोह आरंभ करना चाहते हैं। हम इस वर्ष 2 वित्त वर्ष के लिए भामाशाह पुरस्कार यहां पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यवसायिक वर्ष 2020-21 हेतु श्रेणी प्रथम, जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष में उद्योग का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम, 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, इसमें सबसे पहले EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल को हम बुला रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का है। प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री संदीप जैन प्रबंधक एवं उनके साथी EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल। इसी श्रेणी में दूसरा स्थान नायरा एनर्जी लिमिटेड इंदौर का है। उनसे आग्रह है कि मंच के पास आ जाएं। आपको 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार EMIL माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल को मिल रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड पूर्व में SR ऑयल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। गुजरात में इनकी रिफाइनरी है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में GTA सर्विसेज के रिवर्स के तौर पर 21-22 में 1.07 करोड़ GST जमा कराया गया। 20-21 में इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड श्री टी वासुदेवन एवं साथी। दूसरी श्रेणी है उद्योग जिनका टर्नओवर 1.50 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। इसमें क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन से, आप हीरो मोटर कॉर्प्स के डीलरशिप है, इन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। चेयरमैन और उनके साथी श्री वीरेंद्र सिसोदिया जी यहां पधार रहे हैं। क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये पुरस्कार वर्ष 2020-21 के व्यवसाय वर्ष के लिए दिया जा रहा है। द्वितीय श्रेणी 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए। प्राप्त कर रहे हैं क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से श्री वीरेंद्र सिसोदिया और उनके साथी। इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है। ये सुपर एजेंसी जबलपुर से श्री प्रभजीत सिंह बसूर पार्टनर एवं साथी यहां ग्रहण करेंगे 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार। श्री प्रभजीत सिंह बसूर पार्टनर और साथी हैं सुपर एजेंसी जबलपुर के। हीरो मोटरकॉर्प डीलरशिप है आपके पास और आप मंच पर पधार रहे हैं 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की बीच की कैटेगरी के लिए। इसके बाद की कैटेगरी है 50 करोड़ से 500 करोड़ का कैटेगरी, बहुत बड़ी जो समूह है उनका है। और इसमें प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के श्री चरणजीत नागपाल डायरेक्टर एवं साथी यहां मंच के करीब आ जाएं। श्री चरणजीत नागपाल जी मंच के करीब आ जाएं। प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय पुरस्कार सीएट लिमिटेड को दिया जा रहा है। इंदौर में सीएट, जैसा कि आप जानते हैं कि टायर ट्यूब के निर्माता हैं, विक्रय करने वाले हैं सीएट लिमिटेड। श्री हीरेन देसाई जी जनरल मैनेजर हैं और उनके साथी यहां पधार रहे हैं सीएट से। आपको 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार व्यवसायी वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार सीएट की टीम हासिल कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। श्री हीरेन देसाई जी जनरल मैनेजर हैं और उनके साथ अन्य अधिकारी इस समय मौजूद हैं। इसके बाद 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करने वाले व्यावसायिक कंपनियां जो हैं उनमें 10 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए VE कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर के प्रतिनिधि यहां आएंगे।
श्री राजेंद्र एस सचदेवा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और उनके साथी। जोरदार तालियां। आप सोचिए 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, ऐसे व्यवसायी इस मंच पे हमारा मान बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। वी कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री राजेंद्र एस सचदेवा जी, इसी श्रेणी में जो द्वितीय पुरस्कार है 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाला, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच के प्लांट से श्री भुवनेश्वर मोहंती जी यहां पधार रहे हैं। 7 लाख रुपए का पुरस्कार आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मिल रहा है। श्री भुवनेश्वर मोहंती ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और उनके साथ यहां टीम मौजूद है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच के सभी जो हमारे इस समय सीएट के प्रतिनिधि मौजूद हैं, अब अल्ट्राटेक के प्रतिनिधि आएंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। बहुत बहुत आपका अभिवादन मंच पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। दिव्य सचिनों, शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम भी एक बहुत बड़ा जीएसटी कलेक्शन हमको देते हैं। इस श्रेणी में 3 लाख रुपए का पहला पुरस्कार पीएसयू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तरफ से प्राप्त करने जा रहे हैं रीजनल मैनेजर F&A श्रीमती कलाशिव रामकृष्णन तथा सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री वेंकट रमन आर। निगम अपने धेवा की योगक्षेमम वहाम्यम, अर्थात आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है कि सच्ची भावना से ग्राहकों को कल्याण के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्पित करती है। 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार पीएसयू तथा सरकारी उपक्रम श्रेणी में LIC को। द्वितीय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जबलपुर से 2 लाख रुपए का पुरस्कार श्री A.M. खान डिप्टी CAOG वेस्टर्न रेलवे जबलपुर। हम आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल भारतीय रेल का पहला जोन है जिसने अपने पूरे 3012 रूट किलोमीटर पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। बहुत ही सराहनीय इस समय ऑपरेशंस हैं और श्री A.M. खान डिप्टी CAOG वेस्टर्न रेलवे जबलपुर ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी से ग्रहण कर रहे हैं। पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए अब हम यहाँ अपने व्यवसायी सहयोगियों को बुलाकर उन्हें सम्मान दिलवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करने के लिए प्रथम श्रेणी यानी 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर में चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उमरिया से श्री आनंद प्रकाश राव और उनके साथी, आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। शहडोल की शाहपुर कोल माइंस में सिंदूरी चुनिया में कोयल माइनिंग के कार्य में संलग्न है चौगले एंड कंपनी। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में भी आपका काम फैला हुआ है। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। इसी श्रेणी में 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार नायरा एनर्जी लिमिटेड को मिल रहा है, जिनको 2021 में भी पुरस्कार मिला था द्वितीय। नायरा एनर्जी पूर्व में SR ऑयल लिमिटेड के नाम से, एक बार पुनः श्री टी वासुदेवन टेक्सस हेड और उनके साथी यहाँ पे कर सलाहकार श्री RS गोयल आ रहे हैं इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। द्वितीय श्रेणी 5 लाख के प्रथम पुरस्कार के लिए, जिसमें टर्नओवर 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक होता है, इसमें जो विजेता हैं 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त करने वाले, वो अक्षित ऑटो एजेंसी छिंदवाड़ा से आ रहे हैं श्री अंशुल गोयल, प्रबंध संचालक एवं साथी। मध्य प्रदेश में अक्षित ऑटो एजेंसीज का एक बड़ा नाम है और उन्होंने सराहनीय अपनी सेवाओं के साथ GST कलेक्शन दिया है। श्री अंशुल गोयल, प्रबंध संचालक अक्षित ऑटो एजेंसीज छिंदवाड़ा। और इसी श्रेणी में 1.5 करोड़ से 50 करोड़ में 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार SEG ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर से श्री GM वायरेडी सीनियर मैनेजर और साथी यहाँ इसको पुरस्कार को ग्रहण करने आ रहे हैं। SEG ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर इलेक्ट्रिक इग्निशन डायनेमो अल्टरनेटर आदि उपकरणों के निर्माण से संबद्ध कंपनी है। इस समय अक्षित ऑटो एजेंसी से अंशुल गोयल छिंदवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रेणी में श्री JSY रेड्डी 50 करोड़ से 500 करोड़ के टर्नओवर के सेगमेंट में SEG ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर श्री GMY रेड्डी सीनियर मैनेजर और साथी 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ के टर्नओवर की
तृतीय श्रेणी में 7 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए सीएट लिमिटेड इंदौर से सीनियर रीजनल मैनेजर श्री दीपक चहल तथा उनके साथी यहां मौजूद हैं। सीएट आप जानते हैं टायर ट्यूब के निर्माण में संलग्न है। इससे पहले पिछले वर्ष के पुरस्कारों में भी सीएट के प्रतिनिधि ही यहां मौजूद थे और इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए जेके सीमेंट इंदौर से हम बुला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जेके सीमेंट जो है वो व्हाइट सीमेंट के निर्माण में विश्व में अव्वल है और ग्रे सीमेंट में भी अग्रणी निर्माता के तौर पर इनकी प्रतिष्ठा है। और जेके सीमेंट के एक प्लांट का कल ही पन्ना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से लोकार्पण किया है। जेके सीमेंट के दौर से श्री कौशिक खान जोनल हेड मार्केटिंग और उनके साथ ही यहाँ मौजूद हैं। 5 लाख रुपए का पुरस्कार 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की श्रेणी में, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए का, चतुर्थ श्रेणी यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों में प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल भोपाल से, इसमें मुरली मोहन मूर्ति जनरल मैनेजर तथा उनके साथ ही यहाँ मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि L&T भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। कंपनी की गिनती दुनिया के टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में तो होती ही है, उसके अलावा बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट्स भी L&T निर्माण करती है। L&T के हमारे रिप्रेजेंटेटिव श्री मोहन मूर्ति, मुरली मोहन मूर्ति जी के नेतृत्व में यहाँ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी श्रेणी में 7 लाख रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच से एक बार पुनः आमंत्रित कर रहे हैं श्री भुवनेश्वर मोहंती जी, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और साथियों को। क्या है और पुरस्कार 7 लाख रुपए का 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली जो श्रेणी है उसमें प्राप्त करें। इसके बाद शासकीय विभाग तथा PSU श्रेणी में 3 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल से श्री दीपक कुमार वासु जी, आप ED हैं और स्टेट हेड हैं IOCL के, आपके साथ यहां पधारे हैं CGM मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में। और पुरस्कृत व्यवसायी वर्ष 2021-22 की इस पंक्ति में अंतिम नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर का श्री NH खान, जनरल मैनेजर फाइनेंस और साथ ही 2 लाख रुपए का ये द्वितीय पुरस्कार शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम PSU श्रेणी में प्राप्त करने के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर होंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के प्रतिनिधि, अपने ED और स्टेट हेड श्री दीपक कुमार वसु तथा CGM श्री अशोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुरस्कारों की श्रेणी में अंतिम कड़ी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर के प्रतिनिधि श्री NH खान, जनरल मैनेजर फाइनेंस और साथ ही 2 लाख रुपए का पुरस्कार। अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी तथा माननीय मंच, कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप अपना उद्बोधन देंगे। बोले भारत माता की। मंच पर विराजित आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी, फिक्की अंतर्गत टेक्निकल टेक्सटाइल एवं अपैरल कमेटी के चेयरमैन श्री रजिंदर गुप्ता जी, CII मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट श्री शेषकर चौधरी जी, वाणिज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली जी, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री लोकेश जी, मुख्य आयुक्त CGST श्री नवनीत गोयल जी, भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में पुरस्कृत हो रहे हमारे सम्मानी व्यवसायी बंधु, समारोह में उपस्थित तथा लाइव टेलीकास्ट से सम्मिलित अन्य स्नेही व्यवसायी बंधु, CA कर सलाहकार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन।
आज का यह भामाशाह पुरस्कार समारोह सिर्फ पुरस्कार न होकर वस्तुतः सम्मान समारोह है। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक के प्रदेश के करदाताओं द्वारा शासकीय कोष में ईमानदारी से जीएसटी जमा किए जाने की शासन सराहना करता है। आज इस सभागार में उपस्थित तथा लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हमारे व्यवसायी भाई, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ करदाता नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी भी है। हमें गर्व है कि जीएसटी करदाता के रूप में आप प्रदेश के राजस्व में सबसे अधिक योगदान देते हैं। हमारा विभाग आपकी समस्याओं का निराकरण करने एवं स्वच्छ कर प्रशासन देने हेतु कटिबद्ध है। व्यवसाय एवं उद्योग को सुविधा देने के लिए हमने विभाग में कई कदम उठाए हैं। वेट एवं प्रोफेशन टैक्स में एक दिन में पंजीयन प्रदाय की व्यवस्था की है। वेट अधिनियम में 75 एवं 76 की रिपोर्ट करदाताओं को उपलब्ध कराई है। 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए अलग से निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त किया है। वेट अधिनियम अंतर्गत सजा के प्रावधानों को हटाकर उसके स्थान पर विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान किया है। हम जानते हैं कि आपके बीच विभाग की छवि को सुधारना भी हमारा कर्तव्य है। पारदर्शी एवं स्वच्छ कर प्रशासन देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। कर वसूली हेतु हम पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक के उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हम ईमानदार करदाताओं को संरक्षण दे रहे हैं, साथ ही जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन्हें प्रभावी रूप से चिन्हित कर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि विभाग के इन प्रयासों से इस वर्ष केवल 6 माह में हमने 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है। प्रदेश में अग्रणी करदाताओं को सम्मान देने तथा उनके योगदान की सराहना के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा ही वर्ष 2008 से भामाशाह सम्मान शुरू किया गया। पूर्व में हम केवल 3 बड़े करदाताओं को पुरस्कार देते थे, अब 5 अलग अलग श्रेणियों में कुल 10 बड़े करदाताओं को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पुरस्कार से हम छोटे, मध्यम तथा बड़े तीनों प्रकार के करदाताओं को सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति न सिर्फ इस कार्यक्रम को गरिमामय बना रही है अपितु इस बात का प्रमाण भी है कि प्रदेश सरकार यह मानती है कि हमारे करदाताओं में से प्रत्येक के योगदान के बिना इस प्रदेश का विकास असंभव है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि पिछले वर्ष प्रदेश में जीएसटी से हमें 22,000 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है तथा इस वर्ष भी हमारी प्रगति लक्ष्य से अधिक चल रही है। मेरे व्यवसायी भाई इस बात से वाकिफ हैं कि जीएसटी कर प्रणाली अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, अतः इस कर प्रणाली के संबंध में आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि पूर्व के समान आगे भी आप अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे जिन्हें हम जीएसटी काउंसिल तथा केंद्र शासन तक पहुंचाते रहेंगे। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की चिंता, किसी की भी भूमिका को कम न आंकने की तासीर और परिवार के मुखिया की तरह सभी की समस्याओं को समझने और दूर करने के उनके इसी स्वभाव को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कवि अग्निवेश शुक्ल की ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। इस धरा के हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं, आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अंत में मैं अपने करदाता बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूं कि हमेशा इस तरह वे अपने करों का भुगतान समय पर तथा ईमानदारी से करते रहें तथा प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी बनाए रखें तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश को भारत का अग्रणी राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। जोरदार एक बार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें।
बहुत 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 धन्यवाद। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आइए इस मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाएं। दिन बहुत नहीं बीते हैं लेकिन आज मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में अगले पायदान पर खड़ा नजर आता है। आपने ये किया है, आपके प्रयासों से ये संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व से ये संभव हुआ है। समय है आपके और मुख्यमंत्री के बीच से हट जाने का। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए। अब पूरा देश मध्य प्रदेश आना चाहता है। देश के मध्य में है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। मेरे साथ इस गरमामयी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, ताली हो तो ठीक ठाक हो जाना। अध्यक्ष लघु उद्योग भारती आदरणीय महेश जी, फिक्की के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन सीआईआई भाई श्रेयस्कर चौधरी जी, इस विभाग की प्रमुख सचिव मत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आदरणीय नवनीत गोयल जी, लोकेश जाटव जी, तन्वी हुड्डा जी, यहाँ उपस्थित जिनको आज हमने सम्मानित किया है वो भी, और जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं ऐसे मेरी उद्योग और व्यापार जगत के मेरे प्रिय बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। और प्रणाम कर रहा हूं तो मैं औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा, हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति, क्योंकि आप हैं जो राज्य के खजाने को भरते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार के मामले में उद्योग के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, धन कमाते हैं और फिर ईमानदारी से अपना टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं। और आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़कें बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली देते हैं, हम पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं, हम गांव का शहरों का विकास करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करते हैं, सीएम राइज स्कूल बनाते हैं, अस्पताल के भवन खड़े करते हैं, गरीब कल्याण की कई योजनाएं बनाते हैं। हमारी सारी गतिविधि चलती है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और ईमानदारी से जमा किए हुए टैक्स के द्वारा। इसलिए आज का कार्यक्रम कर्मकांड नहीं है, आज मैं ईमानदारी से सिर झुका के आपको आज और कल मैं अनेकों कार्यक्रम, वैसे तो मैं रोज ही लगातार दौड़ता हूं, लेकिन प्रदेश जिस ढंग से विकास की राह पे चल रहा है, कल रात तक मैं जेके सीमेंट के प्लांट का उद्घाटन कर रहा था पन्ना में, आज सागर ग्रुप का टेक्सटाइल की यूनिट का एक नई यूनिट का लोकार्पण किया है, कल मैं जा रहा हूं पीथमपुर, वहां कई लघु और जो मध्यम उद्योग है उनका शिलान्यास करूंगा, और बीच में मैं खालवा में गरीबों का कार्यक्रम करके आया, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें से पैसे निकाल के गरीबों को कहते हैं राशन भी ले लो, मकान भी ले लो, बच्चों की शिक्षा भी फ्री, चिंता मत करो मामा है, और मामा जब कहता है छाती ठोक के मामा है तो आपके दम पे ही तो कहता है।
और इसलिए ये कार्यक्रम आज का है आपके योगदान को प्रणाम करने का कार्यक्रम। भामाशाह के नाम पर हम करते हैं, भामाशाह एक व्यक्ति का नाम नहीं है। राणा प्रताप को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर की कमाई उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। क्या चिंता मत करो, फिर से फौजें कड़ी करो, मेवाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। लेकिन भामाशाह केवल एक व्यक्ति नहीं है, भामाशाह हमारे जीवन मूल्य है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे उच्च आदर्श हैं। कम कमाएंगे तो केवल अपने लिए नहीं कमाएंगे, उसमें देश का, समाज का और वो जो गरीब है उनके कल्याण का हिस्सा भी शामिल होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जिंदगी सचमुच में अद्भुत है। विकास की कल्पना करते करते मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। पहले मैं थोड़े से संतुष्ट था, जंगलों में आनंद लेता था, लेकिन फिर कल्पना करी कि व्यवस्थित जीवन जिए। अब उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा सोचें जरा, व्यापार और उद्योग से हटकर भी सोचें कि जिंदगी क्या है और आदमी जीवन में चाहता क्या है। अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में दिन और रात दौड़ते रहते हैं, कई बार जब आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं मैं अच्छा और तू बुरा, एक दौड़ सी चल रही है। आप भी दिन और रात मेहनत करते हैं, सवेरे से निकल गए तो शाम तक मेहनत परिश्रम और खड़ा करूं और विस्तार करूं, लेकिन हम ये सब करते क्यों हैं? सिद्धांत अगर देखें, इसके मूल में जाएं, तो सारी कवायद हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। मनुष्य दो चीजें चाहता है हरदम। ये मेरा प्रिय सैद्धांतिक विषय भी इसलिए कई बार इसका उल्लेख करता हूं, एक हम खूब जीना चाहते हैं, कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहते हैं महाराज कुछ दिन और रुक जाओ, मेरे नाती पंती की शादी होगी, अब संती की और होना है, वो तो देख लेने दो, मरना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज और है, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। हम सब सुखी जीवन चाहते हैं, और वो सुखी जीवन क्या है, पूरी कवायद इसी के लिए। उसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो प्रारंभिक रूप से हम कौन हैं? तो हम शरीर हैं, 3.5 हाथ के, 4 मास के पुतले। और हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं, मजदूर से लेकर मालिक तक सब, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का, उसके लिए रोजगार का इंतजाम, इसके लिए हम दौड़ते रहते हैं। हालांकि पश्चिम की कल्पना और भारत की कल्पना में अंतर है। पश्चिम ने यही माना, पश्चिम मतलब मैं यूरोप कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, वहां ये कहा कि भाई मनुष्य शरीर है, अगर शरीर की जरूरत पूरी कर दी तो मनुष्य आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जरूरत क्या, भूख लगे तो रोटी दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने के लिए मकान दे दो, और आगे बढ़े तो बोले चलने के लिए गाड़ी दे दो, गर्मी हो तो एसी दे दो, सर्दी हो तो हीटर दे दो, एक के बाद एक आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। अब ये जो हमारी आवश्यकताएं, शरीर की प्रारंभिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए भागदौड़ शुरू हुई है। लेकिन भारत ने और एक कदम आगे बढ़ के कह दिया, देखो यार शरीर तो ठीक है लेकिन केवल शरीर के
सुखी हो रहने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे, और भी जरूरत है। अब आप देखिए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, जिनके पास धन के अकूत भंडार हैं, कई बार उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश में अगर देख लोगे आप, हमारे झाबुआ अलीराजपुर चले जाओ, आज खाने का है तो मस्त है, रात भर नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे, कल की परवाह कौन करे यार। ये सुख केवल एक ही चीज से नहीं आता, इसके भी अलग अलग प्रकार है। मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और फिर आत्मा का सुख भी चाहिए। कमा रहे तो CSR की एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया करो। तो धन कमा रहे हैं तो सेवा भी करो, कोई स्कूल चलाओ, अस्पताल खोलो, गरीबों को भोजन कराओ। लेकिन इन सारी जरूरत की पूर्ति के लिए, सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जरूरी है। मैं विश्लेषण लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक एक दो दो मिनट में मनुष्य के आनंद और सुख के बारे में बताता हूं। शरीर का सुख तो मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान से, लेकिन हमने कई उद्योगपति देखे जो कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं मन के आनंद के लिए। मन भी तो सुखी चाहिए। अब मन और शरीर दोनों अलग है। आप यहां बैठे हैं रविंद्र नाट्य गृह में, हो सकता है मन आपका डिनर की तरफ दौड़ रहा हो और सोच रहा हो कि मुख्यमंत्री का कब भाषण खत्म हो और कब निकले यहां से। कोई टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम की तरफ भी दौड़ सकता है। शरीर या मन कहीं और हो सकता है। तो मन एक अलग चीज है जो हमेशा खुद भी आनंद चाहता है। अब आप देखो, आज हमने कुछ करदाताओं को सम्मानित किया। अब ये 3 लाख 1.5 लाख की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन हाथ मिला के जब उनको धन्यवाद दिया तो मन गदगद हो गया। सम्मान चाहता है मन, पैसे की बात नहीं। दो मित्र मिलते हैं और कई वर्षों के बाद अचानक गले लग जाते हैं, तो शरीर को कुछ नहीं मिलता लेकिन मन गदगद हो जाता है। तोतली आवाज में बोलता हुआ बेटा बेटी अगर मां की गोद में बैठ जाए और मां उसको छाती से चिपका ले, तो उस समय जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। एक सच्चा उदाहरण और सुना देता हूं आपको, सुनने के मूड में हो कि नहीं है? मैं जब युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था बीजेपी के, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। हम लोग लगातार दौरे करते थे, तो एक कार्यक्रम था हमारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग ट्रेनों से आते जाते थे, शाम को ट्रेन थी। हम एक धर्मशाला के कमरे में, कार्यक्रम धर्मशाला में होते थे, भोजन करके लेटे हुए थे कि शाम को ट्रेन का समय हो जाए तो निकलें। लेकिन हमारे कुछ उत्साही कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा भाई साहब आपके भाषण से ये बड़े प्रसन्न हैं और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने बुजुर्ग थे, खड़े रहकर उनका सम्मान किया। मैं तो छोटा था उस समय, ये 86-87 की बात होगी, तो मैंने कहा बैठिए। तो उन्हें कहना शुरू किया कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा आप बात, मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत। तो उनका बेटा उसी व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा मर गए शिवराज, ये तो कवि है और कविता सुनने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं, विजेंद्र जी, मैंने उनकी जगदीश जी जानते हैं उनको, विजेंद्र सिंह, मैंने उनकी तरफ उंगली उठाई। मैंने कहा ये अध्यक्ष है, इनको सुनाओ तो कुछ फायदा होगा। तो वो तो उठे भी नहीं, लेटे लेटे कहा शिवराज अच्छा कदरदानी, इसी को सुनाओ आप। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो सामान्य शिष्टाचार के नाते आपको कहना पड़ता वाह क्या शब्द है क्या भाव है। तो हम भी औपचारिकता निभा रहे थे, वाह वाह क्या शब्द है क्या भाव है। तो उनका उत्साह और बढ़ गया।
कविता और लंबी हो गई। अब मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने कहा करूं क्या, एक एक घूट पानी पी के कहूं वाह। अब ये कहते कहते मेरी नजर मिल गई विजेंद्र सिंह जी से, वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे, उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे ठसका लग गया, आंख में पानी नाक में पानी, जैसे तैसे सामान्य हुआ और मैंने कहा अब करूं क्या, ये कहेंगे कैसा बदतमीज आदमी है। तो मैंने कहा अब करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक के और हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। आपने कोई चीज लिखी है रची है तो सुना के क्या आनंद आता है, तो मनुष्य को यह आनंद भी चाहिए। ये खेल से भी मिल सकता है, चित्रकार को चित्र बना के मिल सकता है, अलग अलग। फिर एक चीज सुख और होता है बुद्धि का सुख, क्योंकि इससे भी मनुष्य सुखी संतुष्ट नहीं होता। अब आजकल वो कभी कभी अभी भी कभी खत्म नहीं होता, बीच बीच में फिर शुरू हो जाता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो कई लोग देखते हैं सामने। अब हार्ड सीट पर नहीं बैठ पाए तो सामने ही देखते रहते हैं कि एक प्रश्न आया और उसके चार जवाब आए ए बी सी डी, परिवार के संग देख रहे हैं और कोई सही उत्तर मिल गया तो जोर से चिल्लाए बी, और अगर सही निकल गया तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा जा, देखा हम भी। अब ये बुद्धि का सुख है, कोई चीज का अगर हमने जवाब खोज लिया, उसका बढ़िया उदाहरण न्यूटन कहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे थे, फलदार पेड़ था, हवा चली हवा चली तो पेड़ हिला, पेड़ हिला तो फल टूटा, फल टूटा तो जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली पेड़ हिला फल टूटा जमीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर समझ में नहीं आया तो जो निकल के लोग जा रहे थे उनमें से बुलाना शुरू किया कि भैया मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो कोई कोई आता बोले बताओ, बोले हवा चली पेड़ हिला फल टूटा ये जमीन पे गिर गया। तो लोगों ने कहा जमीन पर नहीं गिरता तो कहाँ जाता, बोली ऊपर क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों ने कहा गया काम से, ये तो पागल हो गया, बोले देख नहीं रहे थे, बरसों से देखते चले आए, जब कोई चीज ऊपर से टूटती है तो नीचे ही तो गिरती है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, खोजते रहे और अंततः उन्होंने खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, इसलिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती। अब इस सिद्धांत को खोज के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन एक सुख की और आज चर्चा करूंगा, कहीं आग लग जाए दौड़ पड़ते हो आप बुझाने, कोई एक्सीडेंट हो जाए आपकी इच्छा होती कैसे मैं मदद करूं, कहीं भूकंप आ जाए तो हमारे व्यापारी भी सामान भर भर के गाड़ियों में, चलो पीने के पानी की बोतल रख लो, खाने का सामान रख लो। अभी अभी बाढ़ आई बरसात में तो हजारों लोग निकल पड़े, भोजन के पैकेट हम बनवा रहे हैं, फलान हम कर रहे हैं, अभी काय को करता आदमी बता। शरीर मन बुद्धि के अलावा एक चीज और है और वो है आत्मा। मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको देता हूं, मेरा गांव जैत है सीहोर जिले की बुधनी तहसील में, एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैं भूलता नहीं कभी, मैं बहुत छोटा था लेकिन वो घटना मेरे दिल और दिमाग में बैठी हुई है। नर्मदा जी में बरसात में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के अच्छे दृश्य, जब तक गांव में पानी नहीं घुस जाए तो बढ़िया लगती है बाढ़, क्या क्या बह के जा रहा है देखो। तो हम लोग घंटों खड़े रहते थे किनारे पे, शाम का समय था, नर्मदा जी उफान पर थी, किनारे थोड़े बचे थे, अचानक देखते देखते एक बच्ची आगे चली गई, पांव फिसला और नर्मदा जी में गिर गई। अब चिल्लाए तो सबके बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन हिम्मत कोई की नहीं हुई। शाम को कौन उफनती नर्मदा जी में कूदे, लेकिन एक आदमी, मेरे बचपन की बात है ये, मैं होगा उस समय 5-6 साल का, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और छलांग लगा दी नर्मदा जी में।
बह गए 1-1.5 किलोमीटर दूर तक और फिर भी बच्ची को बचा के किनारे लगा दिया। अब पूरे गांव की जिज्ञासा थी कि आदमी कौन है जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी एक छोटी सी बेटी के लिए। जब वो आया तो लोग दंग रह गए। वो उस इलाके का उस जमाने का सबसे बड़ा चोर था। चोर को हमारे यहाँ गांव में भड़िया बोलते थे उस जमाने में, तो गुलबा भड़िया नाम था उसका, गुलबा भड़िया। लेकिन जान की बाजी लगा दी तो दृष्टि बदल गई। लोगों ने पूछा कि अरे गुलबा तुम आए कैसे और बच्ची कैसे बचाई? तो गुलबा का उत्तर मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है। उसने कहा आया तो था मैं इसलिए कि कौन से घर में सेंध लगानी, रात में घुसना कहाँ है। लेकिन जब ये बच्ची गिरी मैंने दूर से देखा तो चिल्लाए सब कूदा कोई नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं दौड़ के कूद पड़ा। कोई भी हो मनुष्य मात्र, ये अच्छा भाव सबके मन में रहता कि मैं कुछ दूसरे की मदद कर दूं। मैं एक दिन सीएम हाउस में था तो एक व्यक्ति ने मुझसे मिलने की बहुत जिद की। मंगलवार को मैं अक्सर जल्दी में रहता हूं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उस दिन मैं कहता हूं अपनी टीम से भाई मंगलवार को नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे वल्लभ भवन जाना है, पूरी ब्रीफिंग लेनी है, पढ़ना है, उसके बाद कैबिनेट के फैसले होना है। लेकिन एक आदमी ने बहुत जिद की कि नहीं मैं तो मिलूंगा, और वो रोने लगा। फिर मुझे बताया वो तो रो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी बुला। अब वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने पूछा काम बताओ, तो उसने कहा माला डालना है आपके गले में। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा ये कोई काम माला डालना है मुझे इतनी जल्दी थी? तो उसने कहा मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं अभी तो ध्यान में नहीं आया। बोले जब सिगरौली गए थे तो मैं लाइन में खड़ा था, जनता से मिल रहे थे, मेरा हाथ नहीं था एक, तब तुम कलेक्टर को कह के आए थे इसको हाथ लगवा देना, मेरा वो हाथ लग गया और काम कर रहा, मैं उसी हाथ से गले में माला डालना चाहता। अब मेरे भी आंसू आ गया। अब खुद सोच के देखो जब ऐसा काम आपसे होता तो अंदर से कितना आनंद आता है। यह आत्मा का सुख, शरीर मन बुद्धि और आत्मा चार का समुच्चय मनुष्य, चारों का सुख चाहिए। इसलिए अपने यहां व्यवस्था बनाई गई है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। कामनाएं विविध कामनाएं, भूख प्यास बाकी चीजें, पढ़ाई लिखाई दवाई, तो पिक्चर देखना है, बाकी चीजें करना है, ये काम पुरुषार्थ ये करने चाहिए अलग। लेकिन इन सबके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के काम नहीं चलता। और हमारे देश में का अर्थ की महत्ता है, ये जितनी भी चीजें पूरी करनी, यहां तक कि कई बार मन का सुख भी और बुद्धि का सुख भी। अब बुद्धि का सुख स्टार्टअप भी तो बुद्धि का ही सुख है। कोई चीज हम नहीं बना रहे लेकिन उसके लिए भी चाहिए। और इसलिए भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि अर्थ के बिना दुनिया नहीं चलती, धन कमाओ अर्थ कमाओ। और उस समय तो भीष्म पितामह ने, आपको याद होगा जब द्रौपदी ने व्यंग किया था, उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए, तो द्रौपदी ने कहा उस समय कहां गए थे जब चीरहरण हो रहा था? तो भीष्म पितामह बोले पुरुष अर्थ का दास है, मैं दुर्योधन का अन्न मैंने खाया था, उसी का बना हुआ रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, अब वो रक्त निकल गया अर्जुन के बाणों से, इसलिए मैं आज ज्ञान की बात कर रहा हूं। और हमारी संस्कृति में वास्तव हमारी परंपरा में धन कमाने को सदैव पवित्र उद्देश्य माना, गृहस्थ का तो जीवन का ये परम कर्तव्य है कि वो धन कमाए। अगर पैसा नहीं है तो बिना अर्थ के अनर्थ होता है। अब नहीं होगा तो विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है, पौराणिक है। एक बार अकाल पड़ा भयानक, महर्षि विश्वामित्र घूम रहे थे, भोजन मिला नहीं, ग्रस्तों के पास भी देने को कुछ नहीं था, तो क्या देते? तो कहते हैं वो एक चंडाल के घर में चोरी से घुसे और कुत्ते का जूठा मांस था, वो उन्होंने खाने के लिए हाथ लगाया, उत्तम वो आ गया, क्या कर रहे हो?
ये तो पाप है मेरे घर आके आप चोरी से। और तो उनने कहा कि देखो ये आपद धर्म है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीजें कहां जाएंगी। देखिए धन के बिना काम नहीं चल सकता, रोटी चाहिए बाकी चीज चाहिए। तो अर्थ का अभाव हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। अर्थ चाहिए व्यक्ति के जीवन में भी और राज्य के राष्ट्र के जीवन में भी। अब देखो बीच में श्रीलंका की क्या हालत हो गई, पैसा नहीं था कर्जदार हो गए, देश का मान सम्मान चला गया, अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। और इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन में भी महत्वपूर्ण है और राज्य के और देश के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अर्थ का अभाव बुरा है, विनाशकारी है, इसलिए अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। यह बात और दीनदयाल जी ने कही कि अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। और प्रभाव का मतलब यह कि फिर अगर चाहिए तो अनैतिक तरीके से कैसे भी जैसे हो तैसे हो, मेरे पास नहीं तो लूटे ही लूं, वो है अर्थ का प्रभाव, वो नहीं होना चाहिए। अर्थ कमाना है लेकिन धर्म के साथ, धर्म अर्थ काम उससे मोक्ष। तो जो नियम प्रक्रिया बनी उसके अंतर्गत धर्म का मतलब यही है कि हम व्यापार करें, हम उद्योग चलाएं, कर्मठता के साथ धन कमाने की योजना बनाए, लेकिन गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें। और जो कमाए ईमानदारी से उसका हम टैक्स भी दें अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए। देखिए एक बात और मैं कहता हूं कि ये संसाधन जो है धरती के संसाधन सबके हैं, समाज के हैं, भूमि हो गई, पानी, हवा, खनिज, आखिर है तो सबके ना। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि ये फलाने फलाने के ये धनु पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना सब कहा के, लेकिन सबके पास तो नहीं होते ना। तो जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं, वो उस धन से फिर टैक्स अदा करते हैं, और उस टैक्स से जो पैसा आता है वो हम ऐसे लोगों के कल्याण में खर्च करते हैं। तो मामला बराबर हो जाता है। कई बार कोई सोचता होगा ये मकान काय को बनवा रहे हैं गरीबों को, अरे इसलिए बनवा रहे हैं कि संसाधन उसका भी है कि भैया तुम कमा रहे हो, तुम पैसा दो, तुम्हारे पास खदान है, तुम्हारे पास दूसरी सामान, तुम्हारे पास मशीन है, तुम्हारे पास साधन है, तुम कमाओ उसमें से टैक्स दो तो इनका भी घर हम बनवा दें, इनको भी रोटी मिल जाए। तो सचमुच में यही सामाजिक न्याय है। और इसलिए खूब अर्थ कमाओ। विभाग बैठा है, केवल एक विभाग की बात नहीं कर रहा मैं, सभी विभागों से ये कहता हूं और आगे भी उसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि ईमानदारी से व्यापार, बिजनेस, उद्योग, इसको हमें बढ़ाना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसने मैंने आपको प्रणाम किया क्योंकि आप मेहनत से कमाते हैं, आपका व्यापार आपका उद्योग समाज को ताकत देता है चलाने की, शासन चलता है। उसने एक वचन मेरा, ईमानदारी से धन कमाने में कोई बाधा नहीं आने देंगे, और आएगी तो आप ध्यान दिलाएंगे तो उस बाधा को दूर करने का पूरी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे। अभी कई उपक्रम हम कर रहे हैं, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश में, 10-11-12 जनवरी को, उसके पहले एनआरआई का सम्मेलन भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के एनआरआई जाएंगे, वो भी हम इंदौर में कर रहे हैं। G20 के हमारे भोपाल और इंदौर खजुराहो में हमने सम्मेलन लिए, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही जिसमें दुनिया भर के देशों के लोग आएंगे। हम कह रहे हैं दुनिया वालों से कि आओ देखो मध्य प्रदेश में स्वागत है, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको भी हम लाएंगे। लेकिन एक अपील आप सबसे, क्या आप भी और इन्वेस्ट करने का सोचो, छोटे से शुरुआत करो, एमएसएमई महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कई तरह के क्लस्टर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत होती होगी तो भी बताइए, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता कि कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं,
लेकिन होगी तो प्रमाणिकता से उसको दूर करेंगे। और इसलिए आज भी मैं बहुत समय लेके आया हूं, आपको डिनर भी कराऊंगा, बिना उसके नहीं जाऊंगा, और गप्पे भी लगाऊंगा, कुछ संगठन भी मुझसे मिल रहे हैं। कल का दिन लाड़ी लक्ष्मी बेटियों के नाम था, आज का दिन मेरा आप उद्योग और व्यापार करके धन कमाने वाले और शासन का खजाना भरने वालों के नाम है। यह जरूरी है। खेलो इंडिया गेम्स भी यहां होने वाले हैं, टूरिज्म भी खूब बढ़ रहा है। अभी उज्जैन की हालत हो गई कि होटलों में जगह नहीं मिल रही है। वहां कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसका भी फायदा उठाया जा रहा है, होटल का कमरा 3000 में, पलंग एक, 3 गद्दा नीचे डाल दो, क्योंकि श्री महाकाल महालोक को देखने इतने लोग आ रहे हैं। मैं भी जल्दी उज्जैन भी जाने वाला हूं, वो व्यवस्था करूंगा कि बजट होटल भी कैसे बने, और सामान्य परिवार का निम्न मध्यम वर्ग की भी आए तो बेचारा महाकाल महालोक देख पाए। लेकिन इसके कारण ये गतिविधियां बढ़ती हैं, तो टूरिस्ट आता है, लोग आते हैं, अर्थव्यवस्था और बढ़ती है। अच्छा, इस बीच में कई चीजें हुई है। हम टाइगर स्टेट तो हैं, टाइगर कई बार कोलार तक गरजते हैं, मेरिट के बच्चों को अंदर रहना पड़ता है। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, और गिद्ध भी हमारे यहां बचा के रखे हमने पन्ना में, बल्चर स्टेट, अब चीता स्टेट भी हम हो गए। जल्दी बाड़े में छोड़ने वाले फिर आपसे कहेंगे आओ देखने, वहां भी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई, लोगों ने फटाफट होटल रिसोर्ट पता नहीं क्या क्या बनना है। लेकिन ये सब प्रगति की निशानी है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे और हम सब मिलके अर्थ का उपार्जन भी करें, ईमानदारी से टैक्स भी चुकाएं, और अपने प्रदेश को और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखो एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज देश की जो इज्जत और सम्मान है दुनिया में, ये तो मन का सुख है ना। आज भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे बच्चे फंस गए, हमारे बच्चे वहां थे, निकले कैसे, तो कहा तिरंगा हाथ में ले लो और निकल जाओ, तो तिरंगा हाथ में लेके जैसे ही आगे बढ़े रूस की फौज भी पीछे हट गई, यूक्रेन की भी पीछे हट गई, बोली इंडिया वाले जाने दो, युद्ध विराम हो गया। ये भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और मध्यप्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं अंत में कि हमारी विकास दर मध्यप्रदेश की जो कभी माइनस में 1-2-3% के आसपास रहती थी, इस साल 19.76%, देश में सबसे आगे हैं। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की जो 2003 तक हुआ करती थी 13,000, अभी के आंकड़े आए 1,47,000 रुपया हो गई है। ये बढ़ती जा रही है लगातार। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% होता था, अब 4.6% हो गया है। और जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया, इस साल हमारा बजट है 2,79,000 करोड़ रुपया।